हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 18 इंची एग्जस्ट कूलर मोटर होता है उसमें क्या डाटा लगाना चाहिए, मोटर की शक्ल देख करके, मोटर का स्टेटर देख करके, उसका स्टेमिंग साइज देख करके। और कई बार हम डाटा लगा लेते हैं, हूबहू कॉपी कर लेते हैं, फिर भी क्या होता है कि मोटर में प्रॉब्लम होती है, वाइंडिंग की क्वाइलें छोटी पड़ जाती है, कई बार क्या हो जाता है कि तार आते ही नहीं है। किसी मोटर में कितने टर्न, किसी में कितने टर्न, सभी का फंडा मैं आप लोगों को आज छोटी सी इस वीडियो में बताना चाहूँगा दोस्तों, कि क्या करें जिससे हमारा तार भी ख़राब ना हो, अच्छे से आराम से डल जाए, क्वाइल भी अच्छे से आराम से डल जाए और दोस्तों डाटा भी अच्छा रहे, परफेक्ट रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास 18 इंची एग्जस्ट में कोई भी मोटर आए, सबसे पहले आपको उसका जो है कॉइल साइज चेक करना चाहिए। सबसे पहले कॉइल का साइज निकालना है, किसी मोटर का स्टेटर कितना होगा, किसी का कितना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लगभग 1.5 इंच की मोटर है, स्टेटर है इस मोटर का, ठीक है। और इस वाली का देखेंगे तो इसका भी लगभग सेम ही है, लेकिन बहुत सारी मोटरें होती हैं जिनका किसी का 2 इंच भी होता है, या कई सारी मोटरें होती है जिनका 2.5 इंच तक भी हो जाता है, बहुत बड़ी मोटरें होती है जिनका स्टेटर साइज काफ़ी मोटा भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, और कई सारी मोटरें ऐसी होती है जिनके ये जो खांचे आप देख रहे हैं ये बहुत कम जगह होती है, थोड़ी थोड़ी जगह ही होती है, और हमको तार वही मोटा वाला उसमें डालना होता है, और कई बार तार डालने में बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं, हम जो कॉइल बनाते हैं वो ख़राब हो जाती है क्योंकि उसमें डलता ही नहीं है वो। तो क्या करना चाहिए, देखिए दोस्तों, अगर कोई मोटर, सबसे पहले मैं कॉइल साइज का आपको बता दूंगा, डाटा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आएगी कॉइल का साइज, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि आपका तार वेस्ट ना जाए, ख़राब ना हो, मेहनत ख़राब ना हो। जैसे कि ये मोटर है जिसका कि 1.5 इंची का स्टेटर है, ऐसी 1.5 इंची वाली मोटरों में आपको कॉइल का जो साइज रखना चाहिए वह 25 इंच, 25.25 इंच तक रख सकते हैं, 25.25 इंच, या कई भाई जो नए नए हैं वो 25.5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल्युमिनियम में साइज थोड़ा सा बढ़ा के रख सकते हैं, उससे ये होगा कि एल्युमिनियम सस्ता होता है ना, एल्युमिनियम थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा वायर भी लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉपर में अगर आप कॉइल साइज बढ़ा देते हैं तो आपका कॉपर का जो वेट है वायर ज़्यादा लग जाता है, तो उसमें आप ठीक है 25.25 से 25.5 तक आप रख सकते हैं इस तरह की मोटर में। ये तो हुई दोस्तों कॉइल साइज की बात। अब कोई मोटर इससे मोटी आ जाती है, 2 इंच तक की मोटर आ जाती है जिसका स्टेटर साइज 2 इंच है, ऐसी मोटरों में आपको कॉइल साइज थोड़ा सा निकाल के देख लेना चाहिए, आपको एक तार ले लेना चाहिए, उसको नाप लेना चाहिए 25 या 26 इंच तक, उसको डाल के देखना चाहिए। अगर वो नहीं डल रहा है तो आप उसको साइज को 1-1 इंच बढ़ा के फिर देख सकते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको 28 इंच या 28.5 इंच की आप अगर कॉइल बनाते हैं तो वो परफेक्ट फर्मा उन मोटरों के लिए रहता है दोस्तों। तो ज़्यादातर जो मोटरें आती है 1.5 इंच से 2 इंच के बीच की ही होती हैं, तो 1.5 इंची में आप 25-25.5 तक लगा सकते हैं कॉइल साइज, और जो बड़ी हैं उनमें 2 इंच तक की उनमें 28 इंच 28.5 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो उनका थोड़ा सा आप चेक कर लो। तो ये तो हो गया कॉइल साइज का। अब कई मोटरें क्या होती हैं, स्टेटर साइज सबका 1.5 इंच है, लगभग सेम दिख रही है, एल्युमिनियम हो कॉपर हो, उनके खांचे बहुत ज़्यादा, किसी के तो इस मोटर के देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें वायर डालने की जगह है, अगर इसमें हम अच्छे से टर्न बढ़ा के भी डालें तो भी इसके खांचे जो हैं दोस्तों काफ़ी खाली रह जाएंगे, काफ़ी जगह इसमें बच जाती है। कुछ मोटरें ऐसी होती है जिनमें कि उनके खांचे होते हैं देख सकते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो दोस्तों उन मोटरों में जिनमें खांचे या स्लॉट्स के अंदर का जो गहराई है वो बहुत कम होता है, ऐसी मोटरों में आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मोटरों में आपको टर्न कम करने की ज़रूरत है, वायर को थोड़ा सा पतला रखने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात करेंगे हम टर्न की, तो टर्न कितने होने चाहिए तभी हम आगे बात करेंगे। तो
तो ये जो चाहे 1.5 इंची स्टेटर वाली कॉइल हो चाहे 2 इंची स्टेटर वाली कॉइल हो, ऐसी सभी मोटरों में अगर खांचे काफ़ी ज़्यादा गहरे दिखें आपको, अच्छे दिख रहे हैं कि अच्छे से तार आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा, तो अगर आप एल्युमिनियम से उसको वाइंडिंग कर रहे हैं तो रनिंग के अंदर आप 110 टर्न कर सकते हैं और स्टार्टिंग के अंदर भी आप 110 के आसपास टर्न कर सकते हैं। एल्युमिनियम में अगर आपको वाइंडिंग करना है मोटर को तो आप रनिंग के अंदर जो आप यूज करेंगे वो 27 नंबर करेंगे, है ना, और स्टार्टिंग में आप 29 नंबर का यूज करेंगे, चाहे कोई भी मोटर हो, कितना भी मोटर साइज हो। एल्युमिनियम में अगर वाइंडिंग करेंगे तो टर्न कम ज़्यादा हो सकते हैं, जिनमें खांचे थोड़े कम हैं तो टर्न आप 100 भी कर सकते हैं, जिसमें लगे कि नहीं आ पाएगा एल्युमिनियम तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, टर्न 100 भी कर सकते हैं, जिसमें आ जाए उसमें टर्न आप 15 टर्न भी आप बढ़ा सकते हैं, 115-120 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें कॉपर की, तो जो ज़्यादा खांचे वाली मतलब गहरे स्लोट वाली जो मोटरें होती हैं, जिसका स्टार्टर में अच्छे स्लोट में आपको लग रहा अच्छा वायर आ जाएगा, तो उसमें तो पहले ही पतला एक नंबर पतला वायर लगता है कॉपर के अंदर, देखने को मिलता है कि 27 की जगह जैसे एल्युमिनियम में 27 नंबर यूज करते हैं तो 28 नंबर मोटरों में देखने को मिलता है। तो आप 120 से 125 टर्न अगर आप कॉपर के कर सकते हैं कर देंगे, ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है, अगर सबसे बेस्ट रहता है स्पीड में भी और मोटर की लाइफ भी उससे बढ़ जाती है 28 नंबर से, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहता है। अगर दोस्तों कोई कम जिसकी स्लोट काफ़ी ज़्यादा कम गहरी है, है ना, हल्की स्लोट है, आपको लग रहा है तार नहीं आ रहा है या नहीं आएगा, तो आप कॉपर से 28 नंबर से टर्न 110 कर सकते हैं, 110 टर्न आराम से आ जाती हैं। अगर 110 में भी आपको थोड़ा डाउट लगे तो आप क्या कर सकते हैं, टर्न को आप 100 भी कर सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। बहुत सारे भाई घबराते हैं कि स्टेटर 1.5 इंच है कितने टर्न डालूं, या 2 इंच है तो कितने डालूं। टर्न जितने स्लोट भर भर के जाए सबसे बेस्ट रहता है मोटर की लाइफ के लिए। आप एक आइडिया लगा लो कितने टर्न आएंगे रनिंग स्टार्टिंग के मिला करके, तो रनिंग के टर्न को तो आप बढ़ा के रखें, स्टार्टिंग के टर्न को थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पे अगर आप टर्न कम कर रहे हैं तो आप कैपेसिटर जो एल्युमिनियम की मोटर होती है उसमें 6 MFD या UF का ही कैपेसिटर आप लगाएं, तो कॉपर की अगर मोटर हैं तो उसमें 8 MFD का लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन एल्युमिनियम में कभी भी 8 का ना लगाएं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग के अंदर एल्युमिनियम में आप 29 नंबर रखें और कॉपर में भी आप 29 नंबर रखें, 110 टन आप रख सकते हैं, कोई भी मोटर हो 110 टन, 115 टन, 110 से 115 टन काफ़ी रहती है एल्युमिनियम हो या कॉपर हो, 29 नंबर से एग्जस्ट 18 इंच स्टार्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है। तो ये जो चीज़ें बताई हैं बस आप इसका ध्यान रखिए, मोटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तार भी आसानी से डलेगा और आराम से मोटर लंबे समय तक चलेगी। आज की वीडियो में आप लोगों को बस यही जानकारी देना चाहता था, बाकी डेटा की वीडियो तो मैं अलग अलग पहले भी दे चुका हूँ, तो बस यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे, वंदे मातरम, जय श्री राम।